मेरा नाम राजीव है और पाइथन के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इम्यूटेबिलिटी, इम्यूटेबिलिटी इन स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग क्या होता है? इम्यूटेबल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया str और इसमें मैं स्टोर कर देता हूँ तो आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते इस स्ट्रिंग में। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आप चाहते हो ऊप्स में से पहले ऊ को आप पहले ओ को पी से रिप्लेस कर दो या ए से रिप्लेस कर दो, तो मे भी आप कुछ ऐसा करने कोशिश करोगे एस टी आर, और पहला हमें लेटर चाहिए तो किस इंडेक्स पे होगा? जीरो। और अगर इस पर आप ए असाइन करने की कोशिश करोगे तो आप देखो रन करूंगा क्या होगा, एरर आ जाएगा। क्या बोल रहा है? str does not support item assignment. String immutable होता है, उसमें आप changes नहीं कर सकते हो। ओके हाँ, आप क्या कर सकते हो? अगर हमारा जो string है oops, उसमें आप पहले o को अगर suppose a से replace करना है तो आप दूसरा string create कर सकते हो। जो existing string है str है, इसकी help से दूसरा string create कर सकते हो। कैसे? जैसे सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ऊप्स में से पहले ओ को रिप्लेस करना है, तो पहला ओ छोड़ के बाकी स्ट्रिंग इसमें से आप ग्रैब कर लो, निकाल लो। कैसे निकालोगे? तो मैं एक लेटर नाम का वेरिएबल लेता हूं लेटर, और इसमें मैं लिखूंगा str। हमें कहां से चाहिए? हमें दूसरे ओ से लेके पूरे एंड तक चाहिए str में से, ठीक है? तो दूसरा ओ किस इंडेक्स पे है? वन इंडेक्स पे। अगर नहीं पता कि इंडेक्स क्या होता है, स्ट्रिंग कैसे काम करता है, मैं प्रोग्राम कहाँ रन कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें नहीं पता, तो मैंने इस सीरीज में पूरा वीडियो एक लाइन से बनाया है, बेसिक से बिल्कुल स्टार्टिंग से एक एक चीज़ मैंने बताया है। डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोज हैं, जाके देख सकते हो, ठीक है? ओके तो वन, और वन से हमें कहाँ तक चाहिए? एंड तक, देन कॉलन। ये देखो लेटर में हमारा पहला ओ छोड़ के बाकी सारे स्ट्रिंग के लेटर्स आ गए। तो अगर मैं प्रिंट करता हूं अभी लेटर को तो क्या प्रिंट करेगा? ये देखो, अब आप इसमें क्या ऐड करना चाहते हो? ए, तो आप कर सकते हो ए, और फिर इसमें क्या ऐड कर दो? लेटर। हो गया, अब देखो आ गया ए ओ पी एस। आप चाहो तो इसके किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो, जैसे न्यू एस टी आर, और फिर अगर आप न्यू एस टी आर को रन करोगे तो आउटपुट क्या आएगा? ओके सॉरी आई डिड सम मिस्टेक, नेट एस टी आर, हमारा ऊपर वेरिएबल देखो न्यू एस टी आर नहीं, नेट एस टी आर मैंने गलती से ले लिया है। तो रन करते हैं, आ गया। ओके तो ये तो था हमारा इम्यूटेबिलिटी कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। दूसरा होता है, दूसरा है स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन। कौन कैटिनेशन? स्ट्रिंग को हम कॉनकैट करें कैसे करेंगे? तो सपोज दो स्ट्रिंग है, एक एस टी आर वन है और इसमें स्टोर है हेलो, इसमें आपको वर्ल्ड ऐड करना है, तो कैसे करोगे? सिंपल है, एस टी आर वन, और स्ट्रिंग में कोई भी दूसरा स्ट्रिंग ऐड करने के लिए हम प्लस का यूज करते हैं, प्लस अगर आपको वर्ल्ड यूज करना है सो वर्ल्ड, रन करते हैं हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड में स्पेस नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि वर्ल्ड में डबल कोटेशन के अंदर स्पेस नहीं है, थोड़ा यहाँ स्पेस दे दो। अब देखो हेलो वर्ल्ड, इसको चाहो तो आप किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो, जैसे न्यू स्ट्रिंग। अब अगर न्यू स्ट्रिंग को आप प्रिंट करोगे, न्यू स्ट्रिंग, देखो आ गया हेलो वर्ल्ड। पाइथन में एक और फीचर है कि जैसे मान लो आपका एक स्ट्रिंग है एस और इसमें स्टोर है जेड, अब आपको एस में 10 जेड चाहिए, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो? s असाइन विथ s into 10, s अपने आप 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखो, तो अगर मैं s को प्रिंट करता हूं तो 10 बार, जी 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 जी। ओके एंड लास्ट थिंग, एक चीज ध्यान रखना, जैसे दो नंबर है 2 + 3, ऐड करोगे कितना आएगा? 5। अब 2 और 3 को आपने ऐड किया तो 5 क्यों आया? क्योंकि 2 और 3 नंबर है। बट वही अगर मैं 2 स्ट्रिंग फॉर्म में ले लूंगा, यानी सिंगल या डबल कोटेशन में, प्लस और 5 को भी मैं स्ट्रिंग फॉर्म में ले लेता हूं, तो अब ऐड करोगे तो क्या आएगा? तो स्ट्रिंग कैसे ऐड होता है? वो कॉनकैट होता है एक दूसरे के बगल में, वैल्यू ऐड नहीं होती। तो ये देखो क्या आएगा, 25। तो ये ध्यान रखना आप लोग कैलकुलेशन में कि स्ट्रिंग में जो कैलकुलेशन कर रहे हो वो स्ट्रिंग फॉर्म में कर रहे हो कि न्यूमेरिक फॉर्म में कर रहे हो।
सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट पाइथन के वीडियो में, जिसमें मैं स्ट्रिंग के प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स के बारे में बात करूंगा. सो थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.